और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। विधान परिषद चुनाव के नामांकन में समाजवादी पार्टी से दो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। राम जतन राजभर, राम करण निर्मल करेंगे एमएलसी के लिए नामांकन। एमएलसी चुनाव में सपा के दोनों प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। दलित चेहरे राम करण निर्मल पर अखिलेश ने बड़ा दांव खेला है। पिछड़े वर्ग के राम जतन राजभर पर भी सपा ने भरोसा जताया है। दोनों प्रत्याशी नामांकन करेंगे, सपा के विधायक नामांकन में जाएंगे साथ में। एमएलसी चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार। तो निकाय चुनाव का दौर खत्म हो चुका है, नतीजे सामने आ चुके हैं, हार जीत का फैसला हो चुका है। अब एमएलसी चुनाव की जो दो सीटें रिक्त थी उन पर चुनाव होना है और उसके लिए नामांकन से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते साफ कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल पर दांव लगाया है और ये एमएलसी के लिए नामांकन करेंगे। जब ये नामांकन करने के लिए जाएंगे तो सपा के विधायक इनके साथ जाएंगे। एमएलसी चुनाव में बीजेपी के साथ दो दो हाथ करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जैसे ही उम्मीदवारों का ऐलान किया गया उसके बाद से हलचल का माहौल देखने को मिल रहा है। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सत्ताधारियों के सामने कड़ी चुनौती पेश की थी और अब एक बार फिर एमएलसी की जो दो सीटों पर चुनाव होने वाला है इसमें भी चुनौती पेश करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है और समाजवादी पार्टी ने दो उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए अपने पत्ते साफ कर दिए हैं। राम जतन राजभर, रामकरण निर्मल पर समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है। एमएलसी चुनाव में ये दोनों प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं। दलित चेहरे रामकरण निर्मल पर अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है और पिछड़े वर्ग के राम जतन राजभर पर भी सपा ने भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में जहां राजभर समाज को एकजुट करने के लिए राम जतन राजभर पर दांव लगाया है तो इसके अलावा रामकरण निर्मल पर दांव लगाकर दलितों को एक साथ अपने पक्ष में करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाई दे रही है। तो एमएलसी चुनाव के लिए जिन दो सीटों पर चुनाव होने वाला है उन दो सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है और जिन उम्मीदवारों का ऐलान किया है वो राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल है जिन्हें एमएलसी का उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने बनाया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से पत्ते साफ करते हुए निर्देश दे दिया गया है कि जब नामांकन करने के लिए दोनों प्रत्याशी जाएंगे तो सपा के विधायक उनके साथ रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एमएलसी चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का निर्देश भी जारी किया गया है और निर्देश देने के साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन के वक्त कैसे अपनी शक्ति प्रदर्शन को दर्शाना है और कैसे अपना शक्ति प्रदर्शन करना है इसके लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं। अखिलेश यादव की तरफ से ये निर्देश देते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी को चुनौती देने की भी एक दावे के तौर पर तस्वीर पेश की गई है। अखिलेश यादव की तरफ से दावा किया गया है कि एमएलसी चुनाव में बीजेपी को कड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी देगी और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं उन्हें हर हाल में जिताने की कोशिश की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से एमएलसी चुनाव से जुड़ी हुई। दो उम्मीदवारों का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है और जिन चेहरों पर अखिलेश यादव ने दांव लगाया है वो दलित चेहरे रामकरण निर्मल और आपको बता दें कि राम जतन राजभर हैं। दलित चेहरा रामकरण निर्मल और राजभर चेहरा राम जतन राजभर पर दांव समाजवादी पार्टी ने लगाया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने पत्ते साफ करते हुए सियासी हलचल तेज कर दी गई है।